अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? सब खैरियत से उम्मीद करता हूँ कि सब वी आई पी होंगे। अच्छा, आज मेरे पास मॉडल है मोटो का XT1806। ठीक है सर, XT1806 इस पे लगा हुआ है लॉक और इस पे लगी हुई है FRP। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ को इसको हमने अनलॉक कैसे करना है। और ये फ्री टूल है और ये आल जो मोटो के मॉडल हैं उन पर यह सपोर्ट करता है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि इसको पावर ऑफ़ कर लेना है और इसको आपने कर लेना है रीसेट। ठीक है, मैंने मोबाइल को पावर ऑफ़ कर दिया और वॉल्यूम डाउन और पावर की के ज़रिए इसको हमने रिकवरी में लेकर जाना है। तो मैंने वॉल्यूम डाउन और पावर की को प्रेस किया तो मूड हमारा जो है रिकवरी में चला गया। ठीक है, तो वॉल्यूम अप डाउन के ज़रिए हम इसको रिकवरी में, ये रिकवरी आ गया और अब हमने पावर प्रेस कर देना है। पावर प्रेस करने के बाद ये अब आ चुका है रिकवरी में। थोड़ी देर बाद ये चला जाएगा खुद ब खुद रिकवरी में, तो आपने इंतज़ार करना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो आपके लिए ही बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो आपने इधर से अब कर लेना है इसको रीसेट। रीसेट करने के बाद फिर आगे जो है वो मैं आपको डेस्कटॉप पे लेके जाऊंगा, जो फ्री टूल है इंशाल्लाह उस पे ज़रिए आप ऑल जो है मोटो के लेटेस्ट और ओल्ड जितनी भी सिक्योरिटी हैं वो आप कर सकते हो। ये हमारा रीसेट हो चुका है, अब इसको हम कर लेते हैं रीबूट। रीबूट करने के बाद हमारा सेट हो जाएगा ऑन। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपको साथ साथ बता दूँ, मैं आपको लिंक जो है वो उसमें दे दूँगा वीडियो क्या नाम है उसका, वो जो टूल है। ठीक है, तो अब आप चलें डेस्कटॉप की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो डेस्कटॉप के जाने के बाद मेरे पास वो लिंक है, मैं वो लिंक जो है अपना इधर पेस्ट कर देता हूँ और इंटर कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये मैंने लिंक पेस्ट कर दिया और मैंने इंटर कर दिया। जैसे ही मैंने लिंक को प्रेस कर दिया, लिंक हमारा आ चुका है। तो हमने ये टूल जो है वो फ्री में टूल है ये, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा और ये आपने डाउनलोड कर लेना है। ठीक है दोस्तों, ये जैसा कि मैंने क्लिक कर दिया, डाउनलोड पे स्टार्ट हो चुका है। तो ये सिंपल सा बहुत इजी है और इधर हमारा जो है वो हमने रीसेट पे लगाया था वो भी ऑन हो जाएगा फ़ोन। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑन हो चुका है मोबाइल इधर से। ठीक है, स्टार्ट होने लगा है और इधर हम वो टूल डाउनलोड कर लेते हैं। दोस्तों करना कुछ भी नहीं है, आप ये हेलो डिस्प्ले पे आ जाएगा, हेलो स्क्रीन पे, और उसके बाद आपने सिर्फ ये टूल ओपन कर लेना है। ठीक है, जैसे कि ये टूल हमारा ओपन हो चुका है। ठीक है दोस्तों, टूल ओपन होते ही ये हमारा टूल ओपन हो चुका है दोस्तों। ठीक है, ये लेट्स गो स्टार्ट पे आ चुका है, लेकिन उस वक्त तक ये ऑन हो जाए तो फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं जल्दी जल्दी जो है वो काम कर रहा हूँ। तो हमारे पास जो है ये हमारा लेस स्क्रीन पे आ चुका है, तो आपने इधर ही रखना है। अब जैसा कि फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है, हेलो डिस्प्ले पे आ चुका है, तो अब आपने इसको लगी हुई एफ आर पे, ठीक है, तो इसको आपने कर देना है दोबारा पावर ऑफ। ठीक है, पावर ऑफ करते ही फिर हमने इसको दोबारा लेकर जाना है रिकवरी में, क्योंकि ये फ़ोन रिकवरी में कनेक्ट होगा, अदरवाइज इसने कनेक्ट नहीं होना। तो जल्दी जल्दी इसको हमने पावर ऑफ कर दिया और अब आपके सामने वो टूल हमारा ओपन है, मोटोरोला 5.0.2। ठीक है, इसका ये मॉडल है। तो हमने इसको दोबारा रिकवरी में ले गया, ये देखो दोस्तों मैंने इसको रिकवरी में ले किया। ठीक है, अब मेरे पास ये केबल है, केबल मैंने फ़ोन के साथ कनेक्ट कर दी। ठीक है दोस्तों, ये कैमरा मैंने लगाया हुआ नहीं है, बस गुजारा किया हुआ है। जैसे कि दोस्तों ये रिकवरी पे कनेक्ट हो चुका है, मैंने इसको सिंपल बस कनेक्ट करके रख दिया। ठीक है दोस्तों, और इधर हमने कर दिया इसको लेट्स गो पे स्टार्ट। ठीक है दोस्तों, मोबाइल हमारा जो है वो बिल्कुल खुद ब खुद वो ऑटो उसने कनेक्ट कर लिया। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने बस वेट करना है दोस्तों। वेट आपने कितना करना है, बस थोड़ा सा करना है, थोड़ा सा भी नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि अब इसने अपना प्रोसेस स्टार्ट कर लिया है। ये प्रेपरिंग द इन्वायरमेंट हो रहा है, उसके बाद ये फ़ोन बंद होकर दोबारा ऑन होगा, फिर बंद होकर दोबारा ऑन होगा और फिर हमारी FRP रिमूव हो जाएगी। ये आप इसका मॉडल चेक कर सकते हो फ़ोन का, ये इसने ऑटो डिटेक्ट कर लिया और ये फ्री में टूल है और इसमें कोई चार्जेस नहीं है। अगर आपसे नहीं हो रहा तो आपको मैं अपना जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, तो आपने मुझसे ऑनलाइन रब्ता कर लेना है। तो ये देखो, अब ये ऑन हो चुके कनेक्ट होकर और अब ये आ चुका है नेक्स्ट स्टेज पर। तो हमने जैसे ही इसको क्लिक कर दिया, ठीक है, और इंजेक्ट पे क्लिक करने के बाद हमारा काम हो गया स्टार्ट, मोबाइल हमारा फिर से बंद और ये काम हमारा हो चुका है शुरू। दोस्तों अब थोड़ा सा वेट करना है आपने, मोबाइल हमारा फिर ऑन होगा और फिर बंद होगा दोबारा।
और उसके बाद ये इसकी एफ आर पी खुद ब खुद रिमूव हो जाएगी और ये होम पेज पे आ जाएगा। तो दोस्तों मज़ीद एफ आर पी या अनलॉक या फिर जो भी चीज़ें अनलॉक करवानी हो या फिर आपने कोई टूल रेंट पे लेना हो तो आपने ज़रूर मुझे एसएमएस करना है। मैं अपना नंबर जो है व्हाट्सएप वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आपने मुझे कॉन्टेक्ट कर लेना है। दोस्तों मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए आप मेरा जो है चैनल वो सब्सक्राइब कर लें, तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो ये फ़ोन हमारा फिर बंद हो चुका है और फिर ये आपके सामने वेटिंग डिवाइस रिबूट और ये आपके सामने सारा प्रोसेस हो रहा है दोस्तों। तो बस आपने क्या करना है, आपने कर लेना है वेट दोस्तों। तो ये बहुत ही आसान प्रोसेस है, आप अपने घर में बैठ के भी इसको काम कर सकते हो। अगर आपके पास आप मोबाइल रिपेयरिंग करते हो तो ये फ्री वाला टूल है। मोटोरोला के फ़ोन अक्सर बाईपास नहीं हो रहा है लेटेस्ट वाले, तो ये फ्री टूल है और फ्री टूल के ज़रिए आप ऑल जो मॉडल हैं उनको बाईपास कर सकते हो दोस्तों। ये फ़ोन हमारा फिर ऑन हो चुका है मुकम्मल और चेक कर सकते हैं वेटिंग द डिवाइस। अब ये होम पेज पे आ चुका है, ठीक है, वेलकम नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। और फिर आपने अभी करना है वेट, जब तक वो उधर से हमें फिनिश का ऑप्शन ना दे उसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना। डिवाइस हमारी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है, तो अब ये डिवाइस ऑन हो रही है और इधर से हम क्लिक कर देते हैं, ये इनकी वेबसाइट जो ओपन हो रही है। तो अब आ जाएं डिवाइस की तरफ। मोबाइल हमारा सक्सेसफुली एफ आर पी रिमूव और लॉक रिमूव हो चुका है दोस्तों। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। अल्लाह हाफिज़।